भारत और चीन के बीच इस समय एलएसी पर तनाव बना हुआ है, इसलिए दोनों देशों ने वहां अपनी अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आया है। दरअसल फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच भारतीय सेना गश्त करती है, लेकिन चीनी सेना इस समय 8 से 4 के फिंगर पर आकर बैठ गई है और भारतीय सेना को आगे जाने से रोक रही है। पर भारतीय सेना चीनी सेना को फिंगर 8 पर लौटने को कह रही है, जिसके चलते ये पूरा विवाद चल रहा है। क्या है फिंगर 4 से 8, इसे जानने से पहले दोस्तों चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिंगर 4 से 8 पहले इसे समझिए। दरअसल लद्दाख में स्थित पेंगोंग झील है, जिसके किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में कुछ उभरते हुए हिस्से हैं, जिसे भारत ने फिंगर का नाम दिया है। फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल है, लेकिन फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 तक भारतीय सेना के साथ चीनी सेना भी गश्त लगाती है। चूंकि सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए ये विवाद है। चीनी सेना इस समय फिंगर 4 पर आकर बैठी हुई है, जिसे भारतीय सेना चीनी सेना को पीछे लौटकर फिंगर 8 पर जाने को कह रही है। अब समझिए कि एलएसी क्या है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, उस सीमा को एलएसी कहते हैं। चीन हमेशा एलएसी पर विवाद करता है और ये विवाद लगभग 71 साल पुराना है। हाल के कुछ दिनों में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चीन कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है तो तिब्बत को हथियाना चाहता है। भारत के कई ऐसे इलाके हैं जिस पर चीन अपना कब्जा बताकर विवाद खड़ा करता रहता है। चीन की तरफ से भारतीय सीमा में अक्सर चीनी सेना की घुसपैठ देखी जाती है, जिसे लेकर दोनों देशों की सेना आमने सामने आ जाते हैं। कई बार दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। हाल के सालों में चीन को मिर्ची ज्यादा इसलिए लगी है कि भारत ने वहां अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। चीन का आरोप है कि भारत गालवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत के साथ विवाद खड़ा किया है। इससे पहले भी चीन ने कई वजहों से भारत के साथ विवाद खड़ा किया है, लेकिन चीन बार बार ऐसा क्यों करता है, क्या है वो वजह और इतिहास क्या कहता है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। भारत चीन के बीच सभी सीमा विवाद को जानने से पहले एलएसी को समझना जरूरी है। एलएसी क्या है? एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है। यह भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। बता दें कि एलएसी 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पहला पश्चिमी सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर में जम्मू कश्मीर आता है। दूसरा मिडिल सेक्टर, इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। जबकि तीसरा पूर्वी सेक्टर, यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब जानिए कि किन किन इलाकों को लेकर भारत चीन के बीच विवाद होता रहता है। विवाद नंबर 1, पश्चिमी सेक्टर में आने वाला अक्साई चीन को लेकर बड़ा विवाद है। यह क्षेत्र चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। ये 1962 से पहले भारत के कब्जे में था, जो लद्दाख के क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिस कारण भारत को 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गंवाना पड़ा, जिस पर भारत आज भी अपना दावा करता है। बता दें कि अक्साई चीन का असली नाम अक्साई चीन है, चीन वाला चीन नहीं। इस चीन का मतलब सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान होता है, जिसे चीनी सरकार ने अपना हक जताने के लिए चीन को चीन कर दिया। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का 17% हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का जरिया था, जो हजारों साल मध्य एशिया के पूर्वी देशों से जुड़ा हुआ था। भारत कहता है कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है। वही चीन अक्साई चीन पर अपना हक जमाता है। चीन कहता है कि अक्साई चीन शिनजियांग प्रांत के कारगिल जिले का हिस्सा है। विवाद नंबर 2, पश्चिमी सेक्टर में आने वाला पीओके पर पाकिस्तान ने साल 1947 से कब्जा किया हुआ है,
लेकिन केवल पाकिस्तान का ही पीओके पर कब्जा नहीं है बल्कि पीओके पर चीन का भी कब्जा है। दरअसल पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया। इसके बाद पीओके को लेकर भारत पाकिस्तान का विवाद चीन के साथ भी हो गया। भारत पाकिस्तान द्वारा चीन को दिए गए भूभाग को गलत मानता है, जिसको लेकर राजनीतिक तौर पर चीन और भारत में विवाद होता रहता है। कुछ सालों से पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में बन रहे दियामेर बहाशा बांध, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पुल और टनल का निर्माण कार्य भारत के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए भारत अक्सर इसका विरोध करता रहता है, जिससे चीन तिलमिलाया रहता है। विवाद नंबर 3, पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश का इलाका पड़ता है, जिसके 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन अपना कब्जा बताता है। साल 1914 में तिब्बत चीन और ब्रिटिश भारत के बीच शिमला सम्मेलन हुआ था, जिसमें चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना गया, लेकिन चीन इसे नहीं मानता है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। इतना ही नहीं, जब अरुणाचल प्रदेश में भारत के बड़े नेता दौरा करते हैं, चीन इसका भी विरोध करता है। वही भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग और दूसरे राज्यों की तरह इसे भी एक राज्य बताता है। विवाद नंबर 4, पूर्वी सेक्टर में स्थित तिब्बत को साल 1950 में चीन ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जिसे लेकर भी विवाद है। दरअसल साल 1914 में तिब्बत आजाद और कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन तिब्बत को आजाद मुल्क नहीं मानता। गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार किया। इसे लेकर चीन नाराज हुआ। साल 1935 के बाद से यह पूरा इलाका भारत के मानचित्र में आ गया, लेकिन 1950 में चीन ने पूरा तिब्बत अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, जब चीन ने 1962 में पूर्वी सेक्टर पर हमला किया तो तवांग पर भी कब्जा कर लिया था। यह हिस्सा तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के चलते चीन तवांग से पीछे हट गया, जिसको लेकर चीन आज भी अपना दावा करता है। वही भारत मजबूती से अपने इलाके पर नजर रखे हुए है। विवाद नंबर 5, साल 2017 में दोनों देशों के बीच सिक्किम क्षेत्र में भीषण तनाव देखने को मिला था। दरअसल चीनी सेना इस इलाके में सड़क निर्माण करने की कोशिश कर रही है। चीन पहले ही सामरिक लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले चुंबी घाटी इलाके में सड़क बना चुका है, जिसे वह और फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह सड़क भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक इलाके से महज 5 किलोमीटर दूर है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। इसी कारण से भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। साल 2017 में भी टकराव की यही वजह थी, जब भारतीय जवानों ने पीएलओ को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया था। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। विवाद नंबर 6, ताजा विवाद सिक्किम से सटी सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की खबर है। नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। इस घटना में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई है। सूत्रों की माने तो लंबे समय बाद नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसे तनाव देखने को मिले हैं। इस समय इस तनाव की मुख्य 3 वजहें हो सकती है। तनाव का पहला वजह सामरिक। एशियाई देशों में चीन और भारत बड़ा मुल्क है और सभी मामलों में एक दूसरे को ईंट से ईंट बजाने की कुव्वत रखता है। इन दोनों पड़ोसी देशों के पास फौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर है और जिनके बीच परस्पर विरोध देखने को मिलता रहता है। तनाव का दूसरा वजह आर्थिक। केंद्र सरकार ने देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों को सख्त कर दिया है। इस कारण पड़ोसी देशों को भारत के कंपनी में निवेश से पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे में चीन पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा। भारत के इस नए नियम पर चीन असहज महसूस कर रहा है। तनाव का तीसरा वजह कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के चलते चीन दुनिया में बैकफुट पर है। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से चलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है।
चीन पर आरोप लग रहा है कि उसने कोरोना वायरस के स्रोत और शुरुआती स्तर पर गलत कदम उठाया, जिसके चलते लाखों लोगों की जाने गई। इस पर 194 सदस्य देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका मकसद पता लगाना है कि दुनिया भर में नुकसान पहुंचाने वाला कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ और चीन ने शुरुआत में क्या कदम उठाए। इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया था। इस वक्त चीन कोरोना वायरस से दुनिया का ध्यान भटकाने और परिस्थिति का फायदा उठाकर भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन चीन भूल चुका है कि ये 1962 का भारत नहीं, बल्कि रक्षा, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत पहले से काफी आगे निकल चुका है। तो ये थे भारत चीन के बीच सीमा विवाद से जुड़ी विशेष जानकारी। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो देखने के लिए चैनल की न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।